फायजा अपनी बेवकूफ़ी बता रही थी, मैं उसके बीच में टांगड़ा के ब्रेक पे चली गई। चलो अभी बेवकूफ़ी कंप्लीट करो। हाँ, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड थी इस प्रोजेक्ट को लेके, तो बेवकूफ़ बनी हूँ मैं, लेकिन उसका मेरी बेवकूफ़ी के बाद जो रिजल्ट आया वो बड़ा ज़बरदस्त है, वो मैं अभी कंटिन्यू करूँगी, बताती हूँ, वहीं से शुरू करते हैं। अच्छा जी, जब प्रोजेक्ट ऑफर हुआ ना आपको, अपने जब आप कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो उसके साथ आपको एक यू नो एक अपनाइत का रिश्ता जुड़ जाता है, कुछ ज़्यादा ही आप इमोशनल भी हो जाते हैं, इमोशन अटैच हो जाते हैं, तो ऐसा ही था। लेकिन मैं इतना ज़्यादा बुली हुई हूँ उस सेट के ऊपर, मैं नाम नहीं लूँगी यहाँ पे किस प्रोजेक्ट की मैं बात कर रही हूँ, मेरा ख्याल नहीं करना चाहिए, बट हुआ है मेरे साथ। तो मैं बड़ी अटैच हो गई थी, फिर मैंने कहा यार मैं गिवअप कर दूँ, लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया यार मैं और लोगों को क्या मैसेज दे रही हूँ, स्पेशली हमारी यूथ को, क्योंकि मैं अगर जैसे यंग आर्टिस्ट हूँ, मैं स्ट्रगल कर रही हूँ अपने काम में और अच्छा करना चाहती हूँ अपने काम को, तो मैंने सोचा एक दिन कि मैं गिवअप कर दूँ, बट नहीं, देन आई रियलाइज़ कि यार नहीं, मुझे गिव अप नहीं करना चाहिए, क्योंकि कल को कोई और भी इस तरह करेगा तो ये ठीक नहीं है। सो मैं उन जो लोग मुझे देख रहे, पीपल हु आर सीइंग मी वॉचिंग मी, उनके लिए स्पेशली यही मैसेज है कि आप कभी भी लाइफ में गिव अप ना करें, और मैंने गिव अप नहीं किया, उसी फ्लो में काम चलता रहा। जब सेकेंड लास्ट एपिसोड ऑन ईयर हुआ, अच्छा बीच में सीन ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही आउट थी, नज़र आई हूँ मैं, लोगों ने देखा मुझे, मुझे ना मेरी आपको बताए तो माशाल्लाह वैसे इतनी टॉल हूँ मुझे कोई हाइट कर ही नहीं सकता। हाँ। तो मैं नज़र आई हूँ और अच्छा नज़र आई हूँ, लेकिन उन्हीं की वजह से, डायरेक्टर की वजह से कई जगहों पे मुझे बहुत डार्क भी दिखा दिया कि हीरोइन ज़्यादा अच्छी आए, मैं उनके लुक्स डाउन कर रही थी। ये इनसिक्योरिटी मेरे साथ अक्सर होती है लोगों को कि यार हमें जो आर्टिस्ट हमारे लिए बहुत मेन है वो थोड़ा हल्का हो रहा है। फिर हुआ क्या आखिर में? फिर एंड में, सॉरी ये आपका टाइम बहुत दे रही हूं, फिर हुआ ये, मैं बहुत ज्यादा बातू नहीं हूँ ना, टॉकेटिव बहुत हूँ, तो पूरे शुरू से लेके एंड तक आ रही हूँ। फिर हुआ ये कि जब सेकेंड लास्ट एपिसोड ऑन एयर हुआ, तो मेरा एक सीन था जो कि बहुत इमोशनल था, मैं उसमें रो रही थी और अपने भाई से बात कर रही थी। उस सीन के बाद मुझे पूरे पाकिस्तान से कॉल आई है, उसमें मेरा डार्क बेस, मेरी आंखें, मेरे लुक्स सब साइड हो गए, सिर्फ मेरा टैलेंट नज़र आ रहा था और मेरी एक्टिंग दिख रही थी। उसकी वजह से मुझे पूरे पाकिस्तान से कॉल आई है, वही डायरेक्टर, उन्होंने मुझे कॉल किया और कहा कि लड़की तुम छा गई हो। सो हुआ ये कि उन्होंने मुझे बेवकूफ़ तो बनाया कि कैरेक्टर हल्का है या वैसा है या बहुत उसकी एक शानदार एक उसकी वो की हुई थी प्रेजेंटेशन के यार ये ऐसा होगा वैसा होगा, मैं भी थोड़ी सी लालच, आपको अपने काम में लालच होती है कि अच्छा मैं ऐसी दिखूंगी, मैं ऐसे काम करूंगी, ये दिखेगा वो होगा, लेकिन बेवकूफ़ बनाया उन्होंने। लेकिन जब मेरा एक कहते ना, कभी कभार आप 20 दिन काम कर लें, आप 100 सीन कर लें, मैं आप नहीं मनवा सकते, और कभी कभार आप अपने एक सीन से भी मनवा सकते हैं अपने आप। मैं ये कहती हूँ कि कुछ लोग अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं, बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं, मगर ज़िंदगी कभी उनका साथ नहीं देती, नहीं देती। बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े बेवकूफ़ होते हैं, अल्लाह जिनका हाथ थामता है, बेशक। तो चलाक बनने की ज़रूरत नहीं होती इस ज़िंदगी में, अगर आप ईमानदारी से, चलाकी से नहीं, अगर आप ईमानदारी से जिंदगी गुजारते हैं तो वो जो ऊपर बैठा हुआ है ना, उसको आपको आपकी नियत का पता है। किसी और को नहीं पता, वो आपका हाथ जरूर थामता है। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू वॉच द लेटेस्ट ड्रामास।